मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। कानपुर में एसी में गैस डालते समय कंप्रेसर फटते हुए जोरदार धमाका, एक ही मौके पर हुई मौत। आपको बताते चले कि धामपुर के मोहल्ला अफगानान में नेशनल टेलर के मालिक रियाज अहमद की आवाज़ पर शमी नामक युवक जो कि एलजी में काम करता है उसके साथ आए सौरभ सैनी निवासी मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा की एसी में गैस डालते वक्त कंप्रेसर के फटने से जोरदार धमाका हुआ है जिसमें मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मकान स्वामी ने तुरंत धामपुर थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक सौरभ सैनी पुत्र राम कुमार सैनी मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा निवासी के रूप में पहचान हुई है। ये जो घटना घटी है गैस डालते समय क्या पूरा हुआ? ये एक लड़का सबीर नाम का जिसको हमने कहा था कि हमारे एसी में जो गैस डलनी है जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना है आपको, तो वो अपने साथ में सौरभ नाम और सौरभ सैनी करके एक लड़का और साथ में लेके आया था। जैसे लोग अक्सर ज्वाइंट में काम करते हैं तो सौरभ सैनी के हाथ में गैस का सिलेंडर था। मैं उस समय से नहाने गया हुआ था और ये दोनों लोग ही ऊपर चढ़ते थे, तीसरा बंदा ऊपर चढ़ते नहीं। और बहुत तेज मुझे धमाके की आवाज़ आई, तो मैंने टॉवल बांध रखा था। मैं टॉवल बांधे बांधे ऊपर आया और ऊपर आने के बाद मैंने जब पूरा उसका भेजा बाहर देखा उससे देखा नहीं गया, मैं तो आधी से फौरन चला गया। और उसके बाद मैंने फिर सीधा एक छोटा साहब को फ़ोन किया, बल्कि समीर कहने लगा मैं उसके घर वालों को बुला लूँ। तो मैंने समीर से मना किया, मैंने कहा नहीं पहले पुलिस को बुलाएंगे तो उसके घर वाले आएंगे, कोई बात हमसे करने लगे तो हम लोगों को फिर दिक्कत आएगी, उनको भी दिक्कत आएगी। तो मैंने इस करके सीधा डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, फिर हमने फ़ौरन अपने तत्काल पूरी रिपोर्ट भेज दी। लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व किया, सब लोग मीडिया के भी आ गए हैं। तो जो कानूनी कार्रवाई है और जो एक हादसा है एक्सीडेंट है बाकी सब दिखेगी, सब मीडिया के लोग देखेंगे। संतोष समीर को पूछताछ के लिए अपना उन्होंने खड़ा उन्हें मेरे को फोन आया था, पहले ये इसका ध्यान ले लेंगे इसको भेज दीजिएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब।